जिला न्यायालय ने पिंगुआ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, शिक्षित बेरोजगार संघ ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश राज्य विभिन्न सेवा प्राधिकरण के निर्देश में जिला विभिन्न सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा की निगरानी में जिला न्यायालय में वैकल्पिक समाधान स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शासकीय चिकित्सालय छतरपुर के CHMO विजय पथौरिया, डॉक्टर HP अग्रवाल, नेत्र चिकित्सक डॉक्टर GL अहिरवार, नाक कान के चिकित्सक डॉक्टर शरद चौरसिया सहित चिकित्सक स्टाफ मौजूद रहा। शासकीय अस्पताल के उपस्थित चिकित्सकों के द्वारा न्यायाधीश गणों, अधिवक्ताओं एवं न्यायालय स्टाफ का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चिकित्सकों के द्वारा सुगर, BP, डायबिटीज एवं नेत्र परीक्षण भी किया गया। इसके साथ ही जरूरतमंदों को दवाइयां भी उपलब्ध कराई गईं। सामान्य जनता को लाभ प्रदान किया जाता है, उसी तारतम्य में आज विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर की ओर से विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री प्रशांत निगम तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री रजक और जिला रजिस्ट्रार श्री शंखवार के संपूर्ण के प्रयासों से मध्य प्रदेश शिक्षक परीक्षा वर्ग एक एवं वर्ग दो का परीक्षा परिणाम 8 माह होने पर भी नहीं आया, जिसको लेकर छतरपुर जिले के युवा शिक्षित बेरोजगार संघ के लोगों ने आज मोटे के महावीर मंदिर से रैली निकालकर छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी और बच्चन भैया को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने वादा किया था कि अगस्त में परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा, जो अभी तक घोषित नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। युवाओं का कहना है कि प्रदेश सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती तो हम लोग भोपाल में जाकर आंदोलन करेंगे। सर, हम लोगों ने फरवरी और मार्च में एग्जाम दिया हुआ था वर्ग एक और दो का। हम सभी जितने उपस्थित यहाँ पर लोग हैं और कई लोग आ भी नहीं पाए किसी कारण से, वो सभी क्वालिफाइड हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों को 8 महीने से इंतजार हो रहा है परीक्षा परिणाम का, जो अभी तक जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से हम सभी मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से परेशान हो चुके हैं। हम लोगों का किसी भी काम में मन नहीं लगता। हम लोग कितनी मुश्किलों से, सारी महिलाओं ने कितनी मुश्किलों से पढ़ाई करी है, अपनी फैमिली को इग्नोर करके, अपने बच्चों को इग्नोर करके हम लोगों ने दिन रात मेहनत करी है और पढ़ाई भी की है। इसके बाद हम लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाइड भी किया है, अच्छे नंबरों से भी किया है। उसके बाद आज हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आगे इस सरकार की क्या रणनीति रहेगी इसका कुछ पता नहीं है। क्या पता आगे चल के हमारे जो बच्चे हैं वो भी इसी मुश्किलों का सामना करना पड़े उनको भी। इसलिए हम हमारी उन सरकार से और सारे PEB अधिकारियों से और प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम लोगों का परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी करें और जो हमारी वर्ग 3 की भर्तियाँ हैं उसको भी निकालें और आगे वर्ग 2 की वैकेंसी भी बढ़ाएँ और जो वर्ग 3 की भर्तियाँ हैं उसको भी जारी करें ताकि हम लोग वर्ग 3 का एग्ज़ाम भी दे सकें। हम सभी भाई बहन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सभी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 एवं 2 पास अभ्यर्थी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भाजपा सरकार ने 8 वर्षों से हम लोगों की शिक्षक पात्रता परीक्षा जारी नहीं करवाई। इसके बाद किसी कारणवश रुक गई थी। इसके बाद हम लोगों की जैसे तैसे परीक्षा आयोजित करवाई गई तो आज ये 8 महीने से सरकार बदलने के कारण और कांग्रेस सरकार के आने की वजह से हम लोगों का परीक्षा परिणाम रुका हुआ है। हम सभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से इतने ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं कि कभी भी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, किसी की मृत्यु भी जा सकती है या किसी के परिवार वालों को भी कुछ हो सकता है, क्योंकि हम सभी आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं। घर परिवार में सभी लोग पूछते हैं रिजल्ट कब आएगा, मोहल्ले में सभी पूछते हैं कि हम लोगों का रिजल्ट कब आएगा, लेकिन प्रशासन के ऊपर इसका कोई भी दबाव नहीं पड़ रहा है। हम लोग पूर्व में 23 तारीख को माननीय कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे चुके हैं, इसके बावजूद ही हम लोगों का परिणाम जारी नहीं किया गया है। आज 10 अगस्त दिन शनिवार को हम लोगों ने एक रैली का आयोजन किया हुआ है और एक दिन का धरना प्रदर्शन भी किया हुआ है, जिसमें हम सभी भाई बहन बहुत ही अच्छी संख्या में उपस्थित हुए हैं और सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कि हम लोगों का परिणाम 15 अगस्त के पहले जारी किया जाए।